श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज रवि प्रदोष व्रत है। आज आप सुनेंगे रवि प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा। प्रदोष व्रत में भगवान शिव जी की पूजा करने से सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। भगवान शिव अपने भक्तों को धन, सुख, समृद्धि और मान सम्मान का आशीर्वाद देते हैं। इस दिन उपवास रखकर व्रत कथा को पढ़ने और सुनने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। किंतु जो भी भक्त किसी कारणवश यह उपवास नहीं रख सकते, वे भक्त प्रदोष काल में भगवान शिव जी की कथा को पढ़े या सुने तो उनकी भी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो आइए अब आपको सुनाते हैं रवि प्रदोष व्रत की कथा। क्योंकि इस बार प्रदोष व्रत रविवार के दिन पड़ रहा है, ऐसे में यह रवि प्रदोष होगा और रवि प्रदोष व्रत रखने से समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है और विरोधी लोग शांत होते हैं। जिस भी मनुष्य की जैसी कामना होती है उसकी कामना पूर्ण होती है। एक समय सभी प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी नदी के तट पर ऋषि समाज के द्वारा एक विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराणवेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधार गए। सूत जी को आते हुए देखकर शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि खड़े हुए और खड़े होकर उन्होंने ऋषि को दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा अनेकों प्रकार के आशीर्वाद दिए। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। तब शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि हे पूज्यवर महामते, कृपया करके यह बताने का कष्ट करे कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया और रवि प्रदोष व्रत का क्या फल है और यह किसे प्राप्त हुआ। तब श्री सूत जी बोले कि आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। रवि प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए अपने घर से निकल गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। तब बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधु, हम अत्यंत ही दुखी और दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरी इस पोटली में क्या बंधा है। तब बालक ने निसंकोच होकर कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियाँ दी है। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन और दुखी मनुष्य है, अतः हम लोग किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के नीचे पहुंच गए और उस बालक को चोर समझकर बंदी बना लिया और बंदी बनाकर राजा के पास में ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। वहीं दूसरी तरफ जब ब्रह्माणी का लड़का घर पर नहीं लौटा, तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। क्योंकि अगले दिन प्रदोष व्रत था, ब्रह्माणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्रह्माणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि हे राजन, वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल ही छोड़ देना, अन्यथा मैं तेरा धन, पुत्र, राज्य इत्यादि सब नष्ट कर दूंगा। जब प्रातःकाल हुई तो राजा ने शिवजी की आज्ञा के अनुसार ही उस बालक को कारावास से मुक्त करा दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को कह सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर पर भेजा और उसके माता पिता को दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत न हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए जिससे कि वो सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करे। भगवान शिव जी की कृपा से ब्राह्मण अपने परिवार के सहित आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। इसीलिए जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है, वह मनुष्य सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करता है
और उसके जीवन में हर तरह की खुशहाली आती है। अब आप सुनिए प्रदोष व्रत की एक अन्य कथा। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की असमय ही मृत्यु हो गई और उसके बाद उसकी पत्नी अपने भरण पोषण के लिए अपने छोटे से पुत्र को अपने साथ लेकर भिक्षा मांगती रहती। वह सुबह ही घर से भिक्षा मांगने के लिए जाती और दिन भर भिक्षा मांगती व शाम को अपने घर पर वापस आती। एक दिन वह भिक्षा मांगने के लिए जा रही थी कि रास्ते में उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने माता पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा। उस बालक की ऐसी हालत उस पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह ब्रह्माणी उस बालक को अपने घर पर अपने साथ ले गई और अपने पुत्र के जैसे ही उसका पालन पोषण करने लगी। वह राजकुमार भी ब्रह्माणी के साथ ही प्रतिदिन भिक्षा मांगने के लिए जाता और इसी तरह से तीनों भिक्षा के लिए जाते और उनके दिन व्यतीत होते रहे। कुछ दिनों के बाद पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को लेकर शांडिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंची। वहां पर उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा और विधि सुनी तथा घर पर आकर अब वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। धीरे धीरे इसी तरह से दिन व्यतीत होते गए। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर को लौट गया, परंतु राजकुमार वहीं वन में रह गया। तब उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा, तो वह राजकुमार उन कन्याओं से बात करने लगा। उनमें से एक गंधर्व कन्या अंशुमती थी। अंशुमती ने राजकुमार से प्रेम पूर्वक बात की। उस दिन वह राजकुमार घर पर देर से लौटा। अगले दिन राजकुमार फिर से उसी जगह पर पहुंचा जहाँ पर अंशुमती अपने माता पिता से बात कर रही थी। तब अंशुमती के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उनसे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार होने, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमती के माता पिता को वह राजकुमार बहुत पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिवजी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं, क्या आप इस विवाह के लिए तैयार है? तब राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हो गया। उसके बाद राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ देश पर हमला किया और घमासान युद्ध करके विजय प्राप्त की तथा अपनी पत्नी अंशुमती के साथ अपने राज्य में आकर रहने लग गया। वहां पर महल में वह पुजारी की पत्नी और उसका पुत्र भी आदर के साथ लाया गया। साथ ही वे दोनों भी उसके साथ महल में रहने लगे। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। फिर एक दिन अंशुमती ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमती को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। उस दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा और महत्व बढ़ गए तथा राजकुमारी अंशुमती भी व्रत को धारण करने लगी। कई जगह पर अपनी श्रद्धा के अनुसार इस व्रत को स्त्री और पुरुष दोनों साथ साथ धारण करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी प्रकार के कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति होती है। बोलो भोले भंडारी की जय। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अब आप सुनिए सूर्यदेव की कथा, जो कि रवि प्रदोष व्रत में आवश्यक रूप से सुनी जाती है। किसी गांव में एक लड़की और उसकी माँ दोनों ही सूर्यदेव का व्रत किया करती थी। एक बार रविवार के दिन दोनों ने व्रत धारण किया। वहीं पर लड़की की माँ ने कहा कि बेटी, मैं किसी कार्य से बाहर जा रही हूँ, तू दो रोटी बनाकर रख लेना, एक तेरे लिए और एक मेरे लिए। लड़की ने कहा, ठीक है माँ जी। वहीं सूर्यदेव ने जब सोचा कि इनकी परीक्षा लेते हैं, तो सूर्यदेव ने एक साधु का वेश धारण किया और उस लड़की के द्वार पर आ गया और भिक्षा मांगने लगे। लड़की ने जब आवाज़ सुनी तो वह बाहर गई। तो सूर्यदेव बोले कि बेटी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाता तो अच्छा होता। लड़की ने कहा, ठीक है बाबा। तब वह अंदर से एक रोटी लेकर आई और उन्हें दे दी।
साधु महाराज ने वह रोटी खा ली और कहा कि बेटी मुझे और भूख लगी है। तब लड़की ने अपनी माँ के रोट से एक टुकड़ा तोड़कर साधु महाराज को दे दिया। साधु महाराज उसे खाकर वहाँ से चले गए। उसके कुछ समय के बाद जब लड़की की माँ अपने घर पर वापस आई, तब उसने अपनी बेटी से रोटी के बारे में पूछा। लड़की ने बताया कि मेरी रोटी तो मैंने साधु महाराज को दे दी और आपकी रोटी में से मैंने एक टुकड़ा साधु महाराज को दिया है। इस पर लड़की की माँ बहुत क्रोधित हुई और उसे भला बुरा कहा, साथ ही उसे घर से भी निकाल दिया। वह लड़की मार से बचने के लिए वहाँ से डरकर जंगल में भाग गई और जंगल में एक बड़ के पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। सूरज भगवान ने सोचा कि बेचारी लड़की को मेरे कारण घर से निकलना पड़ा है, इसीलिए इसकी रक्षा मुझे ही करनी पड़ेगी। सूर्य भगवान ने चूरमे का एक लड्डू और एक लोटा पानी का उस लड़की को प्रतिदिन भेज देते। अब वह लड़की मजे से खाकर वहीं पर बैठी रहती। एक दिन राजा शिकार करते हुए उधर से निकला। थकान मिटाने के लिए राजा उसी पेड़ के नीचे आराम करने रुक गया। तब राजा ने अपने सेवक से कहा कि प्यास से जान निकली जा रही है, चुल्लू भर पानी मिल जाता तो प्राण बच जाते। ऐसा कहकर राजा वहीं पेड़ के नीचे ही लेट गया। पेड़ पर बैठी हुई लड़की ने जब यह बात सुनी तो उसने चुल्लू भर पानी नीचे डाल दिया। राजा ने पानी पी लिया और फिर से अपने सेवक से कहा कि अरे सेवक, आधी जान तो बच गई, थोड़ा पानी और मिल जाता तो आधी जान और बच जाती। यह सुनकर लड़की ने फिर एक चुल्लू पानी डाल दिया। राजा ने पानी पी लिया और राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सेवक से कहा कि ऊपर अवश्य ही कोई है, तू ऐसा कर ऊपर चढ़ और देख कि कौन है। सेवक ऊपर चढ़ा तो उसे वह लड़की दिखाई दी। लड़की ने सेवक से कहा कि भैया, तुम ये स्वादिष्ट लड्डू खा लो और पानी पी लो और राजा को मेरे बारे में मत बताना। यह कह देना कि ऊपर कोई नहीं है, पता नहीं राजा मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। वह सेवक भूख और प्यास से परेशान था। उसने लड्डू खाया, पानी पिया और नीचे आकर राजा से कह दिया कि राजा जी, ऊपर तो कोई नहीं है। राजा ने सेवक से कहा कि जब तू ऊपर गया था तो थका हुआ था और जब वापस आया है तो तरोताजा दिख रहा है। नहाया हुआ और खाया हुआ मनुष्य छिपता नहीं है। मुझे संदेह हो रहा है, इसीलिए अब मैं खुद ही ऊपर जाऊंगा और देखता हूँ कि वहाँ क्या है। जब राजा पेड़ पर चढ़ा तो वहाँ पर उसने एक सुंदर सी कन्या को पाया। राजा ने कहा कि डरो नहीं, तुम बहुत सुंदर हो, मेरे साथ चलो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। फिर लड़की राजा के साथ चली आई। राजा ने उसके साथ विवाह कर लिया और साल भर में ही उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसकी अन्य रानियाँ, उसकी देवरानी जेठानी आदि उसके और उसके पुत्र की सुंदरता से जलने लगी थी। फिर जब सूरज जी का व्रत आया तो उस रानी ने व्रत के लिए रोट बनाया। दूसरी रानियों ने राजा से कहा कि तुम्हारी नई रानी को रोट बनाना नहीं आता है, उसका बनाया हुआ रोट खाओगे तो आपको पेट दुखेगा और यदि रानी खाएगी तो आपके बच्चे का पेट दुखेगा। नई रानी ने यह बात सुन ली और उसने रोट को थाली के नीचे छुपो दिया और सूर्य भगवान से सहायता के लिए प्रार्थना करने लगी। राजा ने जब पूछा कि थाली के नीचे क्या है तो उसने कहा कि यह मेरे पीहर से आया हुआ उपहार है। राजा ने फिर थाली उठाई तो देखा कि उसके नीचे सोने का चक्र है। राजा ने कहा, अरे वाह, गरीब परिवार वालों का ऐसा उपहार। रानी ने कुछ नहीं कहा, वह चुप रही। धीरे धीरे इसी तरह से दिन व्यतीत होते रहे। फिर एक दिन रानी खिड़की में खड़ी थी, तभी उसे उसकी माँ दिखाई दी जो कि दरिद्र अवस्था में छाजले बेच रही थी। उसने सोचा कि माँ को यहाँ पर बुला लूँ तो यह यहाँ पर आराम से रह लेगी, इतने नौकर चाकरों में वह कुछ भी काम कर लेगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। ऐसा सोचकर उसने अपनी माँ को महल में बुलवाया। लेकिन नई रानी की माँ आते ही वही बात दोहराने लगी कि मेरी रोटी मुझे साबुत दे। रानी ने सोचा कि कहीं सबको यह बात पता नहीं चल जाए कि मैंने अपनी माँ को इस तरह से महल में बुलाया है। यदि यह बात सबको पता चल गई तो मेरे लिए मुसीबत हो सकती है।
ऐसा सोचकर उसने अपनी माँ को चुपचाप एक कमरे में रहने के लिए कह दिया और उसने बाहर से उस कमरे पर ताला लगा दिया। रानी की देवरानी व जेठानी व अन्य रानियाँ राजा से कहने लगी कि नई रानी का व्यवहार हमें संदेह पैदा कर रहा है। उसने एक औरत को महल में बुलाया था, लेकिन वह औरत वापस ही नहीं गई है। छोटी रानी ने यह सब बात सुन ली और सूर्य भगवान से इस विपत्ति से बचने की प्रार्थना करने लगी। फिर राजा ने नई रानी के पास आकर उससे कमरे की चाबी मांगी, तब रानी ने कमरे की चाबी दे दी। राजा ने जब कमरा खोला तो वहां पर सोने की एक मूर्ति थी। राजा ने पूछा कि यह मूर्ति कहाँ से आई है। रानी ने कहा कि मेरे गरीब पीहर ने उपहार भेजा है। तब राजा ने कहा कि तुम्हारे गरीब पीहर से इतने कीमती उपहार आते हैं, मुझे तुम्हारा पीहर ही देखना है, हम वहां पर चलेंगे। रानी ने फिर से सूरज भगवान से मदद मांगी। सूरज भगवान ने कहा कि मैं सवा पहर की तो व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन फिर मुझे नगरी में उजाला करने के लिए जाना होगा। फिर सूर्य भगवान ने जंगल में माया नगरी बसा दी। महल, झरोखे, बाग, बगीचे, रिश्तेदार आदि सब कुछ माया से बना दिए। महल की रसोई में कई प्रकार के व्यंजन बन रहे थे। सबसे मिलकर और खा पीकर रानी ने राजा से वापस चलने को कहा। राजा ने कहा कि जल्दी क्या है, थोड़ी देर और आराम कर लेते हैं। रानी ने कुंवरसा को चूटी काट दी। कुंवरसा रोने लगे। तब रानी ने राजा से कहा कि हमें अपने घर चलना चाहिए, कुंवरसा को अवश्य ही कोई तकलीफ है। तब राजा ने कहा ठीक है, और वो दोनों महल के लिए रवाना हो गए। थोड़ी ही दूर जाने के बाद राजा को ध्यान आया कि उसकी कटार तो वहीं पर रह गई है। तब राजा ने सेवक को कटार लाने के लिए भेजा। सेवक वहां पर गया तो उसने देखा कि वहां पर जंगल के सिवा कुछ भी नहीं था और राजा की कटार एक झाड़ी में पड़ी हुई थी। कटार लेकर सेवक वापस आया और उसने सब बातें राजा से कह सुनाई। राजा को पहले ही शक था, उसने तलवार निकाल ली और गुस्से में आकर रानी पर तलवार तान दी और रानी से सब कुछ सच सच बताने के लिए कहा। तब रानी ने सब कुछ सच सच कह डाला और कहा कि सूरज भगवान की कृपा और मदद से यह सब हो पाया है। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और रानी को सूर्यदेव का व्रत अच्छी तरह से रखने के लिए कहने लगा। रानी का मान और सम्मान और अधिक बढ़ गया। हे सूर्य भगवान, जैसा सुख आपने उस लड़की को दिया है, वैसा ही सुख खाने को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सबको देना। बोलो सूर्य भगवान की जय। अब आप सुनिए गणेश जी की कहानी, जो कि सभी व्रत कथा में अवश्य रूप से सुनी जाती है। एक बार भगवान गणेश जी ने बालक का रूप धारण किया और बाल रूप में चुटकी भर चावल और एक चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी पर घूमने निकले। वे सबको खीर बनाने के लिए कहते जा रहे थे, पर सब ने उनकी बात को अनदेखा कर दिया। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया माई अपने घर के दरवाजे पर बैठी थी। जब बुढ़िया माई ने देखा कि गणेश जी यहाँ से जा रहे हैं, तब उन्होंने कहा कि लाओ बालक, मैं तुम्हारी खीर बना देती हूँ। ऐसा कहकर गरीब बुढ़िया माई ने उनकी खीर बनाने के लिए एक भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने कहा कि माँ जी, जो घर का सबसे बड़ा बर्तन हो उसे चूल्हे पर चढ़ाओ। बुढ़िया माई ने कुछ नहीं कहा, उसने सोचा कि बालक है, सबसे बड़ा पतीला चढ़ा देती हूँ। ऐसा सोचकर उन्होंने सबसे बड़ा पतीला चूल्हे पर चढ़ा दिया और कुछ ही देर में एक चमत्कार हुआ। गणेश जी के दिए हुए चावल और दूध बढ़ गए और पूरा ही भगोना उनसे भर गया। इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहां से चले गए। पीछे से बुढ़िया के पोते पोती आए तो भूख लगने पर बुढ़िया ने उन्हें भी वह खीर खिला दी। खीर बनते देख रही पड़ोसन को भी बुढ़िया ने कटोरा भरकर खीर दे दी। वहीं बुढ़िया माँ की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खा ली और एक कटोरा खीर छिपा कर रख ली। इसके बाद भूख लगी तो बुढ़िया माई ने भी खाने के लिए खीर हाथों में ले ली और जोर से आवाज़ लगाकर बुलाने लगी कि आजा रे गणेशिया, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहाँ पर आ पहुँचे और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। तब बुढ़िया माई ने पूछा कि तूने खीर कब खाई। तब वे बोले कि जब तेरे पोते पोती पड़ोसन व बहू ने खाई, तभी मेरा पेट भर गया।
इसके बाद जब बुढ़िया माई ने बाकी बची हुई खीर के बारे में पूछा तो गणेश जी ने कहा कि इस खीर को पूरे नगर में बांट दो। फिर बुढ़िया माई ने पूरे नगर में खीर बांट दी। जब राजा को इस बारे में पता चला तो उसने बुढ़िया माई को अपने दरबार में बुलाया और सारा माजरा जानकर उसने बुढ़िया का खीर का भगोना अपने यहाँ पर मंगवा लिया। पर राजमहल में जैसे ही वह भगोना पहुंचा तो उसमें कीड़े मकोड़े और जहरीले जानवर गिर गए। यह सब देखकर राजा ने वह बर्तन वापस से बुढ़िया माई को दे दिया और बुढ़िया माई के घर पर वापस आते ही वह बर्तन जैसा पहले था वैसा ही हो गया। इसके बाद बुढ़िया माई ने गणेश जी से फिर से पूछा कि अब मैं इस बची हुई खीर का क्या करूं? पूरे नगर में खीर बांट दी है लेकिन अब भी खीर बची हुई है। तब गणेश जी ने कहा कि अपने घर के चारों कोनों में गड्ढे खोदकर इस खीर को वहां पर गाड़ दो। बुढ़िया माई ने गणेश जी के कहे अनुसार ही किया और खीर को चारों कोनों में गड्ढे खोदकर वहां पर गाड़ दिया और फिर बुढ़िया माई रात को सो गई। गणेश जी उसकी झोपड़ी को लात मारते हुए अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई देखी और जहाँ पर उसने खीर गाड़ी थी वहाँ पर सब जगह उसे हीरे जवाहरात मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई। इसके बाद बुढ़िया माई और उसका पूरा परिवार सकुशल रहने लगा। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने बुढ़िया माई पर की है वैसी ही हम सभी पर करना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर रखना। जैसे भंडारे अपने बुढ़िया माई के भरे हैं वैसे ही हम सब के भरना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ये थी आज की कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपसे एक निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अवश्य ही शेयर करें। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।